नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और खबर विशेष में बात 3 महीने वर्सेज 8 साल की, नरेंद्र मोदी वर्सेज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, और मुद्दा रोजगार की करेंगे हम। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो रोजगार है, नौकरी है। और बिहार के लोग कह रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनकर बिहार के चुनावी मैदान में जनता से वोट मांग रहे थे, तब वो झूठ बोल रहे थे। और इसका प्रमाण है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार जब वो बीजेपी कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे, तब वो बिहार की जनता से झूठे वादे कर रहे थे। और आज खबर विशेष में चर्चा इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार में विकास नहीं दिख रहा है। ये उस भाजपाई नेताओं को नहीं दिख रहा है जो पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार के साथ सुशासन राज की रट जपते थे, 3 महीने में जंगल राज चिल्ला रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज खबर विशेष में चर्चा नौकरी पर होनी है, नरेंद्र मोदी के वादों पर होनी है, तेजस्वी यादव के वादों पर होनी है, और बिहार के जनता से किए हुए वादों की आज चर्चा इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हिसाब तेजस्वी यादव को देना होगा तो भाजपा नेताओं को भी देना होगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में यानी 8 सालों पहले बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए जब वो अपने लिए वोट मांग रहे थे तो सबसे बड़ा झूठा वादा जो बिहार के जनता के साथ उन्होंने किया, 2 करोड़ सरकारी नौकरी की। और दोस्तों, दावे के साथ कहता हूं, 2 करोड़ तो छोड़िए, 8 सालों में बिहार के 2 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। देश के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। आप इस बात से समझें, 2 करोड़ की बात जब नरेंद्र मोदी कर रहे थे, हो सकता है उनका जुबान फिसल गया हो, लेकिन एक जनसभा में नहीं, नरेंद्र मोदी बिहार के तमाम चुनावी जनसभाओं में 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी हुई, लेकिन 16 करोड़ तो छोड़िए, इस 8 सालों में 1.60 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी इन्होंने। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा, हमने कहा ना कि बिहार में नियुक्ति पत्र की हो रही है, ज्वाइनिंग लेटर की हो रही है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने हाथों से बांट रहे हैं, कल भी बांटने वाले हैं। कल भी बिहार में युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, कल शाम 4 बजे से मिलेगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव आपने किया था बिहार की जनता से, वो वादे क्या हुए, कितना पूरा किया आपने? तो जवाब तेजस्वी यादव ने दिया है कि गिनती कर लीजिए अगर गिनती आती हो तो। जरा सुन लेते हैं पहले तेजस्वी यादव कि आपने 8 साल सरकार को हो गया और 8 साल में ये कितने इन्होंने दावे किए। तो खैर, गुजरात का चुनाव है और चुनाव आने वाला है, इसलिए जुमले तो बोलते ही है ना, ये तो अमित शाह जी ने कहा ही है। काम मांग रहे हैं बीजेपी के लोग कि 3 महीने हो गए, कितनों को नौकरी रोजगार दिया, 3 महीने हो गए सरकार में आए हुए, बीजेपी के लोग हिसाब मांग रहे हैं, कितनों को नौकरी तो करना ही चाहिए हिसाब किताब, उनको अभी गिनती आता है। अभी तो 3 महीने के अंदर ही लगातार नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो गए,
और 16 तारीख को तो 10,000 लोगों को और हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं, तो लगभग तो लाखों में तो हो ही गया। और कुछ दिनों में जो है जो हम लोगों ने किया है वो सारा करेंगे, लेकिन 8 साल में हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा था, उसमें से 16 करोड़ में से इन्होंने कितना रोज़गार दिया ये पूछिए। आप तैयार हैं हिसाब के लिए? होना चाहिए, बहस इसी पे होनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव का यह बयान सुनवाना इसलिए जरूरी था कि तेजस्वी यादव को अभी याद है कि बिहार की जनता से उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्राचीर से ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन शायद भाजपा नेताओं की तब चुप्पी सज जाती है, मुंह में फेविकॉल लग जाता है, जुबान चिपक जाती है जब पूछा जाता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के जनता से जो वादा किया था वर्ष 2014 में वो क्या हुआ। यानी खुद नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर 3 बड़ी बातें नरेंद्र मोदी ने कही थी, विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष ध्यान। नरेंद्र मोदी जब जीतकर दिल्ली गए, 40 लोकसभा सीट वाले बिहार को क्या दिया है आज तक सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कल तक के सुशासन बाबू जंगल राज के महानायक लग रहे हैं। बीजेपी नेताओं को अगर आप क्राइम डाटा पर बात करने को कहिएगा तो बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछिएगा तो जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें नीतीश लालू तेजस्वी की चालीसा जपनी है। अरे मुद्दे पर बात कर लीजिए ना, बिहार में रोजगार को लेकर आपने क्या किया इतने दिनों में, बीजेपी ने क्या किया इतने दिनों में? आज जो नौकरियां बट रही है, आप डाटा के साथ आइए ना, 3 महीने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया और बिहार की महागठबंधन सरकार ने क्या किया, इन्हीं डाटा पर आ जाइए आप, जवाब नहीं मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।